नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। जयपुर के मानसरोवर स्थित पिंक सिटी ब्लड बैंक में टीम वसुंधरा की प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सैनी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं और महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऋचा सैनी ने बताया कि पहली बार उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि वास्तव में एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए इंसान को अपनी जिंदगी में रक्तदान अवश्य करना चाहिए और अन्य लोगों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में नारी शक्ति को आगे आकर रक्तदान जैसे कार्यक्रम को आयोजित कर उसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बनना चाहिए। इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट देकर सम्मानित भी किया गया। आज हम लोगों ने 24 जून जो कि मेरा जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक रक्तदान का कैंपेन, एक शिविर रखा था जिसमें अभी तक सब लोगों की सहभागिता आती जा रही है। तो एक यही एक शुरुआत है और एक पहल है। बारे में रक्तदान एक ऐसा दान है जिसमें आप लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किससे कब जाकर पर्सनली या उनसे हम व्यक्तिगत जाकर हम कभी कोई योगदान नहीं कर पाते। तो हमारे इस खून जो रक्त है हमारा, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों का योगदान कर सकते हैं। और रक्तदान करने से कोई बीमारी या कोई वीकनेस कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपके ब्लड को ये और प्योरीफाई करता है और आगे आपके जीवन के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको बिल्कुल रक्तदान करना चाहिए। क्या कार्यक्रम था आज? ब्लड डोनेशन कैंप था, उसमें मैंने भी ब्लड दिया है। कैसा फील कर रहे हैं ब्लड देने? अच्छा। पहली बार ब्लड दिया आपने? नहीं, काफी बार दे चुकी हूँ। तो उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों करते हैं आप ब्लड डोनेशन? मुझे अच्छा लगता है, मतलब सबके लिए सब अच्छा करके, कि अपनी मतलब ऐसे नहीं तो अपने थ्रू कुछ तो चीजें किसी के पास जाती है, ऐसे तो अच्छा लगता है मुझे। लगभग कितनी बार ब्लड दे दिया आपने? मैंने कम से कम 10 से 15 बार। हमने आज 24 जून को ऋचा सैनी जी जो हैं उनके जन्मदिन पे एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। काफ़ी सक्सेसफुल है ये, और आगे भी हो सका तो हम ये करते रहेंगे। आप एक बॉडी बिल्डर हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज भी बहुत हेजिटेशन है लोगों के दिलों में कि ब्लड देने से वीकनेस आ जाती है, ब्लड देने से आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ है। हर इंसान को ब्लड देना चाहिए, ब्लड देने से ही नया ब्लड बनेगा। इवन आप ब्लड देते हो तो वो किसी ना किसी काम आता है और ये बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप किसी कुछ मदद नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड देना एक बहुत बड़ी मदद होती है जो हर इंसान को करते रहने चाहिए। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।